फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक एलईडी प्रोपेलर क्लॉक बनाने वाले हैं, जो कि आपका एक एनालॉग क्लॉक भी बन जाएगा और एक डिजिटल क्लॉक भी बन जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें एक जीरो पीसी भी चाहिए। मेरे पास नहीं था लंबे साइज़ का, तो मैंने छोटे वाले को काट के लंबा किया है। और हमें एक आर्डुइनो नैनो चाहिए, पिछले वीडियो में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है, आप देख सकते हैं। और हमें आर्डुइनो लगाने के लिए फीमेल हेडर चाहिए। और हमें कुछ रेजिस्टर चाहिए 330 ओम्स के 17 पीस, और आईआर रिसीवर चाहिए 2 पीस। और हमें चाहिए कुछ एलईडीज, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कितने कितने और कौन से कलर के हमें चाहिए। और गाइस, हमें एक हॉल इफेक्ट सेंसर चाहिए 3144, और हमें एक पुली चाहिए और एक 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी। आप लिथियम पॉलीमर भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें इसमें एक होल करना पड़ेगा इस पीसीबी में सबसे पहले, जहाँ पर हम अपना पुली को लगाएंगे। तो ये मैंने एक होल कर लिया, अब इसमें पुली लगाकर देख लेते कि ये फिक्स होता है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर पुली लग चुकी है अच्छी तरह से। अब फ्रेंड्स, सारे एलईडीज को लगा लेते हैं। तो एलईडी का जो मैंने राइट साइड में वो नेगेटिव है और जो लेफ्ट में वो पॉजिटिव है। तो गाइस, एलईडी का जो लॉन्ग लेग होता है वो पॉजिटिव होता है और जो शॉर्ट लेग होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस बात का आप ध्यान रख कर लगाना। तो जितने भी एलईडीज है सबको इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लू, उसके बाद 5 पीस ग्रीन एलईडी, उसके बाद हमें 11 पीस रेड एलईडी को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले 5 पीस ग्रीन एलईडी को इंसर्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों को इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि आर्डुइनो, रोबोटिक्स एंड मच मोर। दोस्तों, सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ मिलेगा। तो इस चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर जरूर जाना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक के बटन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर वीडियो में कुछ कमी है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने इसमें रेड एलईडीज को भी इंसर्ट कर लिया है, लगभग सारे हो चुके हैं। ये सारे एलईडीज इंसर्ट हो चुके हैं इसमें। अब फ्रेंड्स, सारे में हमें सोल्ड कर देना है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सोल्डिंग नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उससे। मैंने, आप देख सकते हैं गाइस, मैंने जितने भी ग्राउंड है एलईडी के नेगेटिव पिन सबको एक साथ सोल्डर किया है, सबको एक साथ शॉर्ट किया है। जितने भी नेगेटिव है और जितने भी पॉजिटिव है उसे मैंने पीसीबी में ऐसे ही सोल्ड कर दिया है। तो अब इसमें सारे रजिस्टर को इंसर्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव एलईडी का जो पॉजिटिव साइड है, उस साइड में हमें रजिस्टर को इंसर्ट करना है सारे को लाइन बाय लाइन। वीडियो यार पसंद आ रही है तो यार लाइक कर देना। तो ये मैंने सारे रजिस्टर को भी इंसर्ट कर लिया है एक साथ। तो जितने भी रजिस्टर है सबको एलईडी के साथ सोल्डर कर देना है और दूसरे वाले छोर को छोड़ देना है पीसीबी में। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, मैंने इसे सोल्डर कर लिया है सारे रजिस्टर को, सारे एलईडी के पॉजिटिव से। अब फ्रेंड्स, हमें इसमें फीमेल हेडर को इंसर्ट कर लेना है, जिस पर हम अपना आर्डुइनो नैनो को बैठाएंगे, लगाएंगे। अब इसे भी हमें सोल्डर कर लेना है। तो मैं इसमें सोल्डरिंग कर लेता हूँ, आप देख सकते हो ये मैंने सोल्डरिंग कर ली है इसमें। आप लोगों को तो गाइज, हमें D13 पिन पर आर्डुइनो को डिजिटल 13 पिन पर एक वायर को सोल्ड करना है, और हमें अपने रजिस्टर 1 पे इसे सोल्ड कर देना, सबसे लास्ट मतलब सबसे फर्स्ट वाला जो रजिस्टर है हमारा रेड एलईडी से जो गया है। तो ये मैंने इसमें सोल्ड कर लिया है। फिर गाइज, हमें D2 डिजिटल 2 पिन पर हमें एक वायर सोल्ड करना है, और हमें अपने रजिस्टर नंबर 2 पे इसे सोल्ड कर देना है। सारे डायग्राम मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, उस हिसाब से आप इसे सोल्ड कर लें, क्योंकि मैं पूरा सोल्डिंग नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप गाइस देख सकते हैं, मैंने इसमें सारे सोल्डिंग कर लिए हैं। आप लोगों को थोड़ा पतला वायर यूज़ करना है, जिससे ये बोर्ड थोड़ा हल्का बने। मेरे पास नहीं था तो मैंने मोटर वायर यूज़ किया है। अब हमें इसे इस फीमेल हेडर को लगा लेना है, फीमेल कनेक्टर, जिसमें हम अपना बैटरी को इंसर्ट करेंगे।
फ्रेंड्स आप ये जो रजिस्टर देख रहे हो यहाँ पर मोटा वाला, ये मैंने सिर्फ अपने ये बोर्ड को जोड़ने के लिए लगाया है, क्योंकि मेरे पास लंबे साइज का बोर्ड नहीं था इसलिए। फ्रेंड्स अब हमें इसमें हॉल इफेक्ट सेंसर को लगा लेना है, और इसमें हमें एक 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर को भी जोड़ना है, तो आप आगे देखेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे बोर्ड में लगा लिया है, लेकिन सबसे पहले इसमें एक रेजिस्टर भी लगा लेते हैं, पहले इसे निकाल लेता हूं मैं, उसके बाद 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर पहले इसमें लगा लेते हैं, जो हमारा हॉल इफेक्ट से कनेक्ट होगा, हॉल इफेक्ट के नेगेटिव एंड पॉजिटिव में। डायग्राम देखकर आप बना सकते हो पूरा। अब इसे भी मैं सोल्ड कर लेता हूं, ये आप देख सकते हो गाइज इसे भी मैंने सोल्ड कर लिया अपने ऑडियनो के साथ। अब गाइज आप देख सकते हो कि ये लगभग कंप्लीट हो चुका हमारा बोर्ड। अब इसमें हमें फोटो डायोड लगा लेना है दोनों, जिससे हम इसमें टाइम सेटिंग करेंगे, क्योंकि यार हम एलईडी प्रोपेलर क्लॉक बना रहे हैं तो टाइम तो सेट करना ज़रूरी है, तो इसमें लगा लेता हूँ मैं टाइम सेट करने के लिए। जो नेगेटिव साइड है दोस्तों फोटो डायोड का, वो मैं एलईडी के साइड में रख रहा हूँ, और जो पॉजिटिव है मैं राइट में रख रहा हूँ। इसमें मैंने हीट सिंक ट्यूब लगा दिया है, और गाइस जो फोटो डायोड का नेगेटिव है वो एलईडी के नेगेटिव के साथ जोड़ लेना है दोनों को। डायग्राम में आप देखकर बना सकते हो पूरा। फ्रेंड्स इसमें 10 किलो ओम्स का रेजिस्टर को लगा लेते हैं, एक हमारा ऊपर वाले फोटोडायोड के लिए और एक हमारा नीचे वाले के लिए। तो दूसरा भी रेजिस्टर लगा लेते हैं इसमें 10 किलो ओम्स, दोनों है सेम। तो ये आप देख सकते हो गाइस मैंने इसमें भी सोल्डरिंग कर ली है, और ऑडियोनो बोर्ड के साथ कनेक्ट भी कर दिया है इसे। अब गाइस इसमें एक फीमेल हेडर लगा लेते हैं छोटा सा, जिससे हम अपना डिस्प्ले मोड चेंज करेंगे, जैसे कि एनालॉग से आप डिजिटल बना सकते हैं। वहां पर एक जम्पर लगाकर, इन दोनों में एक जम्पर इंसर्ट करने पर ये डिजिटल बन जाएगा एनालॉग से। और गाइज हमें एक ऐसा प्लाई का बोर्ड चाहिए, आप किसी भी टाइप का लगा सकते हो, मैंने ऐसा यूज़ किया है इसमें, और एक होल किया मैंने बीच में मोटर लगाने के लिए। और हमें एक स्टैंड चाहिए नॉर्मल सा, और एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, हाई आरपीएम की मोटर चाहिए हमें, तो मैंने इसमें मोटर को इंसर्ट कर लिया है और अच्छे से चिपका दिया है ग्लूगन से। फ्रेंड्स अब हम इसमें अपना ये बोर्ड लगा कर देख लेते हैं इंसर्ट करके। तो गाइस मैंने इसे इसमें इंसर्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमें इस प्लाई के बोर्ड में एक मैग्नेट लगाना है, जहां पर हमारा हॉल इफेक्ट सेंसर इसके नीचे आ पाए। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट लगाया है, नियोडाइमिनियम मैग्नेट, कोई भी स्पीकर से इसे निकाल सकते हैं। ये हो चुका कंप्लीट। फ्रेंड्स अब हमें अपने ऑडियनो नैनो को प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए मैं अपने स्मार्टफोन का यूज कर रहा हूँ। स्मार्टफोन में हमें एक एप्लीकेशन चाहिए ऑडियनो ड्रॉइड, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड है हमारा ऑडियोनो नैनो 328p एट मेगा। अब जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक कोड दूंगा, उस कोड को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है,
ये आप देख सकते हो वो कोड है ये, और मैंने अपने फ़ोन में OTG लगाया है, ये कोड है हमारा। अब दोस्तों अपने Arduino की केबल को OTG में लगा लेते हैं और Arduino में भी लगा लेते हैं। अब हमें ऊपर जो एक फ्लैश बटन दिख रही है उससे फ्लैश कर देंगे, हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये कंपाइल हो रहा है दोस्तों, ये हमारा फिनिश हो चुका। अब ऊपर जो अपलोड बटन है उससे हमें अपलोड कर लेना है कोड, तो ये आप देख सकते हो कोड अपलोड हो चुका है। तो अब हमारा Arduino रेडी है गाइज। इसमें मैंने 2 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है मोटर को चलाने के लिए सीरीज़ में लगाकर, जिससे बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज़ हो चुका है। और मैंने मोटर को भी MCL से सील कर दिया है क्योंकि MCL ज़्यादा बेटर होता है, और स्टैंड भी MCL से लगाया है। यहाँ पर मैंने एक स्पीड कंट्रोलर यूज़ किया है इसमें, और एक स्विच है। स्पीड कंट्रोल करके मैं इसका स्पीड को बढ़ा और घटा सकता हूँ, अपने ही भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। आप डायरेक्ट बैटरी से आप इसे जोड़ सकते हैं 3.7 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक, जैसी आपकी मोटर है। मैं तो कहूँगा मोटर यार अच्छा यूज़ करना आप लोग, अच्छे RPM को, मेरे पास लो RPM को मोटर था इसलिए मैंने लो ही यूज़ किया है। तो अब इसे ऑन करके एक बार देखते हैं टेस्ट करके। यहाँ पर मैंने एक स्विच भी लगाया है अपने इस बोर्ड में, तो अब इसे ऑन कर लेते हैं पीछे से। फ्रेंड्स आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है। इसकी RPM भी लो है इसलिए यहाँ पे कुछ LEDs भर, मतलब कुछ LED नहीं भर रही यहाँ पर, क्योंकि इसकी RPM बहुत लो में है अभी। और ये जो दोस्तों फ्लिकर हो रहा है वो कैमरा के इफेक्ट से हो रहा है, कैमरा इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है ठीक से। अगर आप लोग को इसका मोड चेंज करना है, मतलब एनालॉग में बनाना है, तो ये जो जम्पर है आप कोई भी जम्पर लगा दें इस फीमेल हेडर पर। अब इसे ऑन करके देखते हैं, ये आप देख सकते हो इसकी मोड हो चुकी है चेंज, मतलब अब ये एनालॉग से डिजिटल क्लॉक बन चुका है। दोस्तों अगर आप लोग को अगर इसे फिर से एनालॉग में बनाना है तो वो आप जम्पर निकाल देंगे तो ये एनालॉग में बन जाएगा वापस। और ये जो फ्लिकर हो रही है वो कैमरा इफेक्ट के कारण हो रही है। तो अब हमें रिमोट बनाने के लिए एक बैटरी चाहिए, कोई सी बैटरी आप यूज़ कर सकते हो 3.7 वोल्ट की। इस रिमोट से हम इसका टाइम सेटिंग करेंगे, और हमें चाहिए एक आयर LED। मैंने इस रिमोट को पहले से बना के रखा है, इसका डायग्राम मैं आप लोगों को स्क्रीन पर अभी दे दूंगा। और इसमें मैंने एक बीच में स्विच लगाया है टैक्ट स्विच, और पीछे मैंने कुछ कनेक्शंस किए डायरेक्ट। मैंने इसमें कोई रजिस्टर यूज़ नहीं किया क्योंकि छोटी बैटरी है और LED को संभाल लेगी। फ्रेंड्स अगर मैं रिमोट को ब्लू LED के पास पॉइंट करके ऑन करूँगा तो मेरा मिनट का काटा सेट होगा, और अगर मैं ग्रीन LED के पास में पॉइंट करूँगा तो मेरा आवर का कांटा सेट होगा। अब जैसे कि ये आपने देखा, इस तरह से आप इसके टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं अभी टाइम सेट करके देखता हूँ, अभी मेरा टाइम हो रहा है 10:57, तो इसे मैं सेट करता हूँ। ये आप देख सकते हो टाइम हो चुकी है सेट और बिल्कुल परफेक्ट ये वर्क कर रहा है। तो अब एक बार डिजिटल मोड को ऑन करके देखते कि ये टाइम बताता है या फिर गलत। तो डिजिटल मैं ऑन करता हूँ, ये मैंने लगाया जम्पर, अब ये हमारा डिजिटल हो चुका है। ये आप देख सकते हो मैंने जो टाइम सेट किया था 10:57:58। अब मैंने वीडियो को स्किप किया था इसलिए 11 बज चुका है। अब फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक के बटन को दबा देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आप लोग को इस तरह से वीडियोस देखनी, इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस देखनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।